हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। इसकी एक्सरसाइज 4.3 आज हम सॉल्व करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने 4.1 और 4.2 कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। इस एक्सरसाइज में हमें कंस्ट्रक्ट करना है क्वाड्रिलेटरल्स। इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है MORE, जिसमें MO इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, OR 4.5 सेंटीमीटर, एंगल M 60 डिग्री, एंगल O 105 डिग्री, एंगल R इज इक्वल टू 105 डिग्री। इसके पहली एक्सरसाइज में जब हमने क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट किए तो उसमें हमें कोई एंगल नहीं दे रखा था, सिर्फ हमें साइड और डायगोनल वगैरह दे रखे थे। इस एक्सरसाइज में हमको एंगल्स भी दे रखे हैं, एंगल्स बनाने हैं, तो आपको प्रोटेक्टर का यूज़ नहीं करना है वरना आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। आपको इस कंपास की मदद से ही एंगल्स कंस्ट्रक्ट करने होते हैं। तो इसके लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम सीख लेते हैं कि अगर हमें 90 डिग्री का एंगल फर्स्ट ऑफ ऑल बनाना आना चाहिए, देन 60, 120, ये सारे एंगल बनाने चाहिए। उसके बाद हम 105 हो गया, 75 हो गया, 15 है, 13 है, ये सारे एंगल बनाना सीख लेंगे। तो सबसे पहले हमें 90, 60 और 120 एंगल बनाना आना चाहिए। उसके लिए सपोज़ अगर हमने कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है और हमें इस पॉइंट पर एंगल बनाना है, तो आपको क्या करना है, अपने कंपास में आप किसी भी रेडियस को ले लीजिए और जिस पॉइंट पर आपको एंगल बनाना है उस पे इसको एज अ सेंटर लेते हुए अपनी इस कंपास की नोक को रखना है और आपको एक आर्क लगाना है। देन अब उतनी ही रेडियस, मीन्स आप बिल्कुल भी इसको चेंज नहीं करेंगे, जितनी रेडियस थी उतनी ही रेडियस लेकर इस पॉइंट पर रखकर जहाँ से उसने इस लाइन को इंटरसेक्ट कर दिया इस आर्क ने, वहाँ से रखेंगे और एक दूसरा आर्क लगाएंगे। तो जो ये पहला आर्क होगा इस पूरे आर्क में, ये जो पहला आपने कट लगाया है ये 60 डिग्री बनाएगा। देन अगर हम इसी कट पर रखेंगे और एक दूसरा उतनी ही रेडियस का दूसरा एक कट लगाएंगे इस आर्क पे, तो ये आपका 120 डिग्री बनाएगा। यहाँ से ये पूरा 120 होगा और ये यहाँ से 60 डिग्री होगा। और अगर हम इसको ये पूरा पूरा ये आर्क बना लेते तो आप देख सकते हैं, जानते होंगे कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पर ये जो स्ट्रेट एंगल है वो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। और इसके हमने इक्वल 3 पार्ट्स किए हैं क्योंकि हमने सेम रेडियस से ही ये आर्क लगाए हैं और ये 3 पार्ट में डिवाइड हुए हैं। तो 180 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में बांटते हैं, तो वो कितने कितने का हो जाएगा, वो 60 डिग्री के हो जाते हैं। तो ये इतना पार्ट 60 डिग्री है, देन ये इतना पार्ट 60 डिग्री का है और ये भी इतना पार्ट 60 डिग्री का है। तो यहाँ से इसीलिए यहाँ 60 डिग्री बन रहा है, देन प्लस 60 डिग्री और होगा, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा 120 डिग्री हो जाएगा। अब अगर हमें 90 डिग्री बनाना है तो ये जो हमने दो कट लगाए हैं यहाँ से हम उतने ही रेडियस का फिर से आर्क लगाएंगे। तो एक बार यहाँ पर पॉइंट रखकर आर्क लगा देंगे और एक बार यहाँ पर रखकर आर्क लगा देंगे। अब इन आर्क ने एक दूसरे को जहाँ पे काटा है इसको मिलाते हुए अगर हम लाइन खींचते हैं और इस पॉइंट पे बना रहे थे, तो इस पॉइंट को ये आर्क ने जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है उनको मिलाते हुए अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा 90 डिग्री एंगल बनता है। ये यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री एंगल है। 60 डिग्री हमने सीख लिया, ये पहला कट लगाया 60 डिग्री, दूसरा कट लगाया तो यहाँ से यहाँ तक ये 120 डिग्री और ये 90 डिग्री बनाना हमने सीख लिया। अब अगर हमें 30 डिग्री बनाना है तो हम जानते हैं कि ये इतना एंगल कितना था, 60 डिग्री था, और 60 का अगर हाफ करते हैं तो वो कितना हो जाता है, वो 30 डिग्री हो जाता है। तो इस एंगल का हमें हाफ करना है 60 डिग्री का, तो हम कैसे करेंगे, तो आप इसको ले लीजिए, कोई भी रेडियस ले लीजिए, कोई हमने मेज़रमेंट नहीं की है, कोई भी रेडियस ले लिया हमने और यहाँ पर रखकर आप एक आर्क लगा लीजिए, देन यहाँ पर रखकर एक दूसरा आर्क लगाइए। यहाँ पर क्यों हम रखकर ये आर्क लगा रहे हैं, क्योंकि 60 डिग्री का एंगल केवल इतना ही तो है, तो इसके एक एंड पॉइंट से और दूसरे एंड पॉइंट से ही हमें ये दोनों आर्क लगाने हैं।
और जहाँ पर इन दोनों आर्क ने एक दूसरे को कट किया है वहीं से आपको, क्योंकि इस पॉइंट पर ही हम एंगल बनाने वाले हैं, तो इनको इनसे मिलाते हुए आपको लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये है आपका इतना, ये जो है बना है वो 30 डिग्री है यहाँ से, ये इतना पार्ट, और ये पूरा था आपका 60 डिग्री। अब अगर आपको 30 का हाफ करना है, मीन्स 15 डिग्री बनाना है, तो फिर हम वही करेंगे, क्योंकि 30 डिग्री सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है। तो एक बार इस नोक को एक रेडियस ले लेंगे और इस नोक को एक बार यहाँ पे रख के एक आर्क लगाएंगे, देन यहाँ पे रख के एक आर्क लगाएंगे, और वो आर्क एक दूसरे को जहाँ कट करेंगे उससे मिलाते हुए यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और वो 15 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब इधर आते हैं, अगर ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 60 है, क्योंकि मैंने बताया कि ये तीनों ही पार्ट 60 60 डिग्री के हैं, तो यहाँ से ये 60 डिग्री का है, तो ये इस लाइन ने इनको बीचों बीच से काटा है 90 डिग्री बनाने वाली लाइन ने, तो ये इतना पार्ट 30 हो गया और ये भी पार्ट 30 हो गया है। अब अगर आपसे कह देता है कि आप 105 डिग्री बनाइए, तो 90 में कितना ऐड करें कि 105 हो जाएगा, तो 90 में अगर हम 15 ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाता है, 105 हो जाता है। तो 90 डिग्री तो यहाँ तक है ही है। अब अगर इसमें हम 15 डिग्री और पता कर लें और उससे यहाँ से हम लाइन खींच दें, तो हमें 105 डिग्री एंगल फाइंड हो जाएगा। अब 15 डिग्री कैसे बनाएंगे, अभी मैंने आपको बताया कि 30 का हाफ करेंगे तो हमें 15 डिग्री मिलेगा, तो ये इतना पार्ट तो 30 है ना, और ये भी इधर 30, तब जाकर ये 60 हुआ है, तो यहाँ से ये 30 है, और इसका जैसे ही हम हाफ करेंगे तो हमें 15 डिग्री मिलेगा। तो इतने पार्ट का हाफ करना है, हमने एक रेडियस ले ली, एक आर्क यहाँ लगा लिया और एक आर्क यहाँ से रखकर दूसरा आर्क हमने लगा लिया। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे ताकि एक दूसरे को कट कर पाएँ। अब यहाँ से इस पॉइंट से जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे, वो कितना होगा, वो 105 डिग्री। मीन्स अब यहाँ से जो यहाँ तक का एंगल है वो 105 डिग्री है। सिमिलरली इसी तरह से अगर आपको कहता है 75, तो 90 में -15 करेंगे, देन हमें कितना मिलेगा, 75 मिलेगा। तो 90 डिग्री तो यहाँ तक है, और इसमें हम 50 डिग्री और लेस कर दें, क्योंकि 105 करना था तो हमने और ज़्यादा ले लिया 15 डिग्री, बट हमें 75 बनाना है तो हम 15 डिग्री कम करेंगे। तो हम इसी साइड तो आएंगे, इधर जाएंगे तो हम बढ़ेंगे, हमारा एंगल बढ़ेगा, और 90 डिग्री के इस साइड आएंगे, क्योंकि ये लाइन बेस लाइन जो है वो इस साइड पे है, तो इधर आएंगे तो कम होगा। यहाँ पर ये भी इतना 30 है, और इसका हम 15 कर लेंगे हाफ, तो यहाँ से जो लाइन मिलेगी वो आपको 75 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ये इतना 30 है यहाँ पे रखा हमने, और आप कोई भी रेडियस ले लिए, यहाँ पर हमने एक आर्क लगा लिया, देन यहाँ से रख के एक आर्क लगा लिया, इसने जहाँ एक दूसरे को काटा है इस आर्क ने, इसको मिलाएंगे तो आपको ये यहाँ से ये जितना एंगल होगा वो 75 डिग्री का होगा। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा कि अब किस तरह से हम इस कंपस से ही यूज़ करके एंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है एक्सरसाइज 4.3। अगर MO पहले हमें दे रखा है, तो हम अगर MO यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, देन हमें OR, तो MO इधर है तो R इधर होगा, R इधर नहीं होगा। पहले भी हमने डिस्कस किया है कि या तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे या तो क्लॉकवाइज चलेंगे, तो MO R इधर कहीं होगा, तो हमें 4.5 सेंटीमीटर खींचना है। बट हम देख रहे हैं O पॉइंट पर हमें एंगल भी दे रखा है, एंगल O 105, तो यहाँ से अगर हम 105 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक रे खींच लेंगे, देन हमें यहाँ से OR 4.5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो O को एज अ सेंटर लेते हुए अगर हमने 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाएंगे, तो यहाँ से हमें R पॉइंट मिल जाएगा। देन यहाँ पर हमें R एंगल दे रखा है 105, तो यहाँ पर अगर हम 105 डिग्री बनाते हुए एक रे खींचते हैं, देन उसके बाद हमें क्या दे रखा है, एंगल M भी दे रखा है जो कि 60 डिग्री है,
तो अगर यहाँ हम 60 डिग्री बनाते हुए एक रे खींचते हैं तो ये इस वाली रे को इस पॉइंट पर कहीं आकर इंटरसेक्ट करेगी और यहाँ से हमें अपना ई पॉइंट मिल जाएगा। तो इस तरह से हम एक क्वाड्रिलेटरल तैयार करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें एमओ लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जो कि दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर। एम ओ ये 6 सेंटीमीटर हमें गिवेन है। देन उसके बाद हमें क्या करना है, ओ पर एंगल दे रखा है हमें, एंगल ओ 105 डिग्री। उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले किसी भी रेडियस का एक आर्क लगाना है। देन यहाँ पर इसको रखना है और उतनी ही रेडियस का दूसरा आर्क लगाएंगे। देन यहाँ पर रखेंगे और एक दूसरा आर्क लगाएंगे। अब क्योंकि हमें 105 चाहिए तो हमें 90 डिग्री पहले बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम रखेंगे, एक ये आर्क लगाएंगे और एक यहाँ से आर्क लगाएंगे। ये हमें 90 डिग्री एंगल बनाते हुए यहाँ से एक डॉट वाली लाइन खींच लेनी है, क्योंकि हमें पूरी लाइन नहीं खींचनी है, क्योंकि यहाँ पर हमें 105 बनाना है ना कि 90 डिग्री बनाना है। और हमने इसको पूरी लाइन नहीं खींची क्योंकि हमें बस क्या पता करना है कि 90 डिग्री कहाँ पर बन रहा है एंगल। तो यहाँ से अब हमें क्या करना है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये पूरा 60 था और इसने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये 30 है और इधर भी 30 है। अब ये 30 है तो इसका हम जब हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 डिग्री मिलेगा और 90 में 15 ऐड करने पर हमें 105 एंगल फाइंड हो जाएगा। तो हम इस एंगल का 30 डिग्री एंगल का हाफ करेंगे। तो यहाँ से आप किसी भी रेडियस का एक आर्क लगा लेंगे और उतनी ही रेडियस का एक दूसरा भी आर्क लगाएंगे। इस आर्क ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया है वहाँ से हमें मिलाते हुए एक लाइन खींचनी है और इसे आप थोड़ा एक्सटेंड करके एक रे खींच लीजिएगा। अब इसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि ओ से अगर यहाँ पे एम है, ओ है, तो यहाँ पर आर पॉइंट होगा। यहाँ हमने रफली स्केच किया था तो आर यहाँ कहीं होगा और हम देख रहे हैं हमें ओ आर की लेंथ दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर। मीन्स ओ को एज अ सेंटर लेते हुए अगर हम 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाते हैं तो वो कहीं ना कहीं इसको लाइन को जो हमने रे खींची है उसको कट करेगी और हमें आर पॉइंट फाइंड हो जाएगा। तो हम स्केल पर 4.5 रेडियस ले लेंगे कंपास पे। ये हमने रेडियस ले ली है, ओ को एज अ सेंटर लेते हुए हमने एक आर्क लगा लिया और यहाँ से हमें अपना पॉइंट मिला है आर। देन इसके बाद इन्होंने आर पर भी 105 डिग्री का एंगल हमें दे रखा है। तो यहाँ से हमें फिर सिमिलरली जैसे यहाँ पर हमने 105 डिग्री का एंगल बनाया, इस पे भी हमें 105 डिग्री का एंगल फाइंड करना है। तो हमें कोई भी रेडियस का एक आर्क लगाना है सबसे पहले। अब हमें यहाँ से रखना है क्योंकि ये वाली लाइन है, तो यहाँ पर हमें इस पॉइंट को रखना है, एक आर्क लगाना है, ये 60 डिग्री का बना। देन यहाँ पे रखना है और फिर एक कट लगाना है यहाँ से, ये 120 डिग्री के लिए है। अब हमें 90 डिग्री बनाना है तो यहाँ पे रखेंगे, एक बार 120 वाले कट पर रखेंगे और एक बार 60 वाले कट पर रखेंगे और आर्क लगा देंगे। क्योंकि हमें आर पॉइंट मिल चुका है तो यहाँ पे आर को मिलाते हुए आपको लाइन ड्रॉ करनी है, बट हम इसे पूरा नहीं मिला रहे हैं, बस हमें 90 डिग्री फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें 90 डिग्री का पॉइंट मिल गया है। अब हमें 105 डिग्री बनाना है तो क्या करेंगे, ये 30 एंगल है क्योंकि ये पूरा 60 है, तो ये इतना 30 हो गया, इसका हमें हाफ करना है।
यहाँ पर इन्होंने जिस पॉइंट पर आर्क ने एक दूसरे को कट किया है उससे आर पॉइंट को मिलाते हुए एक आपको लाइन एक रे ड्रॉ करनी है। इस रे को आप कोई भी नाम दे दीजिए, बस जो हमें एम ओ आर ई दे रखा है उनमें से कोई नाम नहीं देना है। यहाँ पर हम इसको एक्स नाम दे दे रहे हैं और इसको वाई नाम दे दे रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तो हमें कोई एम ओ आर ई तो आर ई वाली कोई लेंथ तो दे नहीं रखी है। देन हम यहाँ से ई वाला पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? तो हमने जब स्केच बनाया था इसमें तो हमने देखा था कि जब यहाँ पर एम पर जो 60 डिग्री एंगल दे रखा है वो हम बनाएंगे तो ये इस वाली रे को इंटरसेक्ट करेगी और वहीं पे हमें ई पॉइंट फाइंड हो जाएगा। तो हमें इस पॉइंट पर 60 डिग्री एंगल बनाना है। 60 डिग्री एंगल बनाना इजी है, अब तक आप सीख चुके होंगे कैसे बनाते हैं 60 डिग्री। एक आर्क खींची, देन उतनी ही रेडियस का बिना चेंज किए हुए एक कट लगाएंगे और ये पहला वाला कट 60 डिग्री का होता है। इसको मिलाते हुए जो हम एक रे खींचेंगे वो इस वाली रे को कट करेगी। देख रहे हैं कि इस एम जेड रे ने आर वाई रे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिया और यहाँ से हमें हमारा पॉइंट ई फाइंड होगा क्योंकि यहाँ पर एम है, ओ आर और ई यहाँ पर फाइंड होगा। ये है आपका 60 डिग्री, ये वाला आपका है एंगल 105 और यहाँ जो हमने कट लगाया था आर ओ वो हमें दे रखा था 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ भी इसे आप लिख लीजिएंगे 105 डिग्री। तो इस तरह से हमारा ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। धीरे धीरे जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कंपस से ये एंगल बनाना बहुत अच्छे से सीख लेंगे। अब इसके हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। सबसे पहले इसमें हमने एम ओ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ड्रॉ किया तो हमने उसको लिखा एम ओ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देन हमने एक रे खींची थी ओ एक्स मेकिंग एंगल ऑफ 105 डिग्री एट ओ, तो ओ से हमने 105 डिग्री एंगल बनाते हुए एक रे खींची थी ओ एक्स। ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर का हमने एक आर्क लगाया था जिसने कि हमारी ओ एक्स रे को कट किया था एट आर पॉइंट पे। देन हमने ड्रॉ किया था एक अनदर रे मेकिंग एंगल ऑफ 105 डिग्री फ्रॉम आर, तो आर से हमने एक रे खींची थी आर वाई जो कि 105 डिग्री का एंगल बनाते हुए गई थी। देन हमने कंस्ट्रक्ट किया था एंगल एम इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड ड्रॉ अ रे एम जेड विच इंटरसेक्ट रे आर वाई एट ई, देन इट इज़ अ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल एम ओ आर ई। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट है, यहाँ पर भी हमें एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है पी एल ए एन जिसमें पी एल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एल ए इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, एंगल पी 90 डिग्री दे रखा है, एंगल ए 110, एंगल एन 85। मीन्स इस क्वाड्रिलेटरल के हमें 3 एंगल पहले से ही गिवन है, सिर्फ एक एंगल नहीं पता है। तो हम देख रहे हैं 90 डिग्री बनाना काफ़ी इजी है, 110 बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो जो चौथा वाला एंगल बचा हुआ है वो भी हम फाइंड कर लेते हैं तो आसानी से हम इसको कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसका जो 4th एंगल है वो भी फाइंड कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो यहाँ से क्योंकि एंगल पी ए एन दे रखा है, कौन सा एंगल रह गया? एंगल एल। 360 में से हम इन सारे एंगल को ऐड करके सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 90 प्लस 110 प्लस 85, 360 माइनस इनको ऐड करेंगे 5, 81, 999, 18, 1 और 1 एक कैरी था ऐड कर लिया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ रह गया 5, 15 में से 8 सब्सट्रैक्ट करेंगे 7 और यहाँ पर 2 रह गया था तो 2 से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0।
तो यहाँ पर 75। तो हम देख रहे हैं कि जो एंगल L हमें फाइंड होगा वो 75 डिग्री का होगा। तो चलिए इसको किस तरह से हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, सबसे पहले हम कोई भी एक बेस लाइन बना लेंगे। तो हम PL ड्रॉ कर लेते हैं, PL हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर। देन हमें P पर भी एंगल दे रखा है और L वाला हमने फाइंड कर लिया है। तो पहले P पर 90 डिग्री बना लेते हैं। 90 डिग्री बनाने के लिए क्या करना होता है कि किसी भी रेडियस का आपको एक आर्क लगाना है। अब क्या करना है कि उतनी ही रेडियस का यहाँ पर हमें पॉइंट रखना है और एक कट लगाना है इस आर्क पे। देन यहाँ से फिर उतनी ही रेडियस का एक दूसरा कट लगाना है और इस पर से एक कट लगाएंगे, देन 120 वाले कट से भी एक कट लगाएंगे। मीन्स 120 और 60 वाले कट से हम दो आर्क फिर लगा लेते हैं। तो इन आर्क ने एक दूसरे को जहाँ काटा है उसको पी से मिलाते हुए हमें एक रे ड्रॉ कर लेनी है। देख रहे हैं यहाँ पे हमारा 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट हो गया है। देन उसके बाद आपको हमने L एंगल, यहाँ पर L पॉइंट है तो L एंगल हमने फाइंड किया था 75 डिग्री। 75 डिग्री हम कैसे बनाते थे, सबसे पहले हमें 90 बनाना होगा, देन उसमें हम 15 डिग्री लेस करेंगे तो हमें फाइंड हो जाएगा 75 डिग्री। सेम रेडियस का यहाँ से आपको एक कट लगाना है इस आर्क पे, देन यहाँ से दूसरा आर्क लगाना है। अब 120 वाले आर्क से एक बार यहाँ एक आर्क लगाएंगे और 60 वाले से एक बार यहाँ आर्क लगाएंगे। तो हमें यहाँ पे 90 डिग्री का बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, मगर कंप्लीट लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें इस पे 75 डिग्री का एंगल बनाना है ना कि 90 डिग्री का। तो यहाँ पर हमें 90 डिग्री का पॉइंट मिलने वाला है। मैंने आपको बताया था कि ये 60 है और ये भी 60 है, और ये 60 है तो इतना हाफ पार्ट 30 हुआ और ये भी 30 हुआ। 30 का आधा करेंगे तो 15 हो जाएगा, और यहाँ से जैसे ही 15 डिग्री मिलेगा तो ये 90 से 15 डिग्री जब लेस करेंगे तो 75 होता है। तो यहाँ पर हम 15 डिग्री का कट लगाएंगे। तो यहाँ पर कोई भी रेडियस लेके आर्क लगा लीजिए, देन यहाँ से एक दूसरा आर्क लगा लिया। इसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे ताकि हमें इसका इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाए। अब इसको L से मिलाते हुए आपको एक रे ड्रॉ करनी है। इसको हम नाम दे लेते हैं Y। अब हमें LA दे रखा है, तो अगर P यहाँ पर है, L यहाँ पर है, PLA यहाँ कहीं आएगा और यहाँ पर LA हमारी लाइन बनेगी। तो देख रहे हैं LA के लिए हमें 6.5 सेंटीमीटर गिवन है, तो L को एज अ सेंटर लेते हुए हम 6.5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाएंगे। यहाँ से हमने एक आर्क लगा लिया और यहाँ पर हमें पॉइंट मिल गया ए। यहाँ पर लिख लीजिए ये है 6.5 सेंटीमीटर। देन हमें एंगल ए भी दे रखा है और अभी तक हमें एंगल एन नहीं फाइंड हुआ है। तो एंगल ए पर हम 110 कैसे बनाएंगे? 110 डिग्री बनाने के लिए आप इस प्रोटेक्टर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम 110 डिग्री का एंगल इसमें से नहीं बना सकते। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये वाला ए वाला पॉइंट है, तो आपकी जो ये प्रोटेक्टर की ये बीच वाली लाइन है, इसका जो पॉइंट है वो इस पॉइंट पर बिल्कुल रखना है, और ये जो लाइन आ रही है PL वाली, इसके ऊपर ये वाली लाइन आपकी होनी चाहिए। अब अगर हम ये वाली लाइन को बेस मानकर चल रहे हैं तो यहाँ से 0 डिग्री से स्टार्ट होगा,
तो यहाँ से 0 डिग्री स्टार्ट हो रहा है, मीन्स ऊपर वाले जो नंबर हैं वो हमें एंगल दिखाएंगे। तो यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 110 है। तो आपको क्या करना है, जहाँ पर 110 है यहाँ पर आपको एक पॉइंट बना लेना है। अब इस पॉइंट को हम ए से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और देख रहे हैं कि जैसे ही इस लाइन ने इसको इस जगह पर कट कर दिया है तो यहाँ पर हमें पॉइंट कौन सा मिलेगा, एन मिलेगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये कितना एंगल है, 110 डिग्री। ये वाला एंगल हमारा 90 था और ये एंगल था हमारा 75 डिग्री। तो इस तरह से कंप्लीट होता है आपका ये क्वाड्रिलेटरल PLAN। इसके हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। इसमें सबसे पहले हमने ड्रॉ की थी PL इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, देन हमने P पर कंस्ट्रक्ट किया था 90 डिग्री एट P एंड ड्रॉ और ए PX, कंस्ट्रक्ट एंगल L 75 डिग्री, L पर हमने 75 डिग्री कंस्ट्रक्ट किया था और एक रे ड्रॉ की थी LY, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6.5 सेंटीमीटर, देन हमने 6.5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाया था इस रे पे विच कट्स रे एल वाई एट ए पॉइंट, देन ड्रॉ अ रे ए जेड मेकिंग एंगल ऑफ 110 डिग्री एट ए विच इंटरसेक्ट्स पी एक्स एट एन। तो हमने ए पर 110 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक रे खींची थी ए जेड, जिसने कि यहाँ पर पी एक्स रे को एन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिया था। इट इज़ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल PLAN। तो जिस तरह से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं उसी तरह से सिमिलरली हम उसके एक एक स्टेप को लिख देते हैं। सिर्फ यही होता है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन।